सभी को मेरा प्रणाम। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लोगों के नशा के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना, आगाह करना, सचेत करना, जागरूक करना। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नशा एक सामाजिक अवरोध है, पूरी दुनिया से ग्रसित होते जा रही है। हम सब इस बात को नकार नहीं सकते हैं। आज के युवा, किशोर, बुजुर्ग, स्त्री पुरुष किसी न किसी नशे के सेवन में लिप्त हैं, जो कि किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। महात्मा गांधी ने इसे मीठा जहर कहा था। किसी भी फसल में अगर एक कीड़े लग जाए तो पूरा फसल को बर्बाद होने में देर नहीं होती। उसी तरह अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति एक नशे का सेवन करने लगे तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आए दिन हम नशे की वजह से बहुत सारी परेशानियों को देखते हैं। परिवार में मारपीट, बच्चों का परेशान होना, घबराना, डरा होना, महिलाओं का प्रताड़ित होना, फिर भी उसके बावजूद भी लोग नशे का सेवन करने से अपने आप को नहीं रोक रहे हैं। नशा लेने के तो हजार बहाने हैं। दुखी हूँ, नशा ले रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ, नशा ले रहा हूँ, प्रेमिका ने छोड़ दिया, प्रेमी ने छोड़ दिया, नशा ले रहा हूँ, परिवार में बहुत परेशानी है, जॉब नहीं मिल रहा है, नशा ले रहा हूँ। क्या नशा लेने से ये तनाव दूर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी एक चीज तो जरूर होता है कि हम बहुत तरह से शारीरिक और मानसिक बीमार हो जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तंग का सामना करना पड़ता है। लोगों की नजरों में हम गिर जाते हैं। 200 बीमारियां हमें घेर लेती हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। अल्कोहल, गांजा, भांग, मोरिक्स, ड्रग्स, मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे नशा हैं जिसको हम एक्सक्यूज कर कर तो लेते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कहते हैं साइकोलॉजिकली, सोशल इकोनॉमिकली और जेनेटिक कारण है, पर कोई भी कारण रहा हो, किसी के लिए भी नशा घातक होता है। आइए हम सब मिलके अपने परिवार में किसी भी तरह का नशा का सेवन ना होने दें, ना बच्चों को करने दें। आगाह करें बच्चों को, उन्हें दिग्भ्रमित होने से बचाएं, उन्हें बताएं कि कितना गलत है, और इसकी शुरुआत हमें अपने अपने घरों से करनी है। स्कूलों में भी जागरूकता अभियान का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो प्रचार दिया जाता है, उसका प्रचार और भी अधिक बढ़ा देना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।